नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा, सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाए, इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है, मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदा नू याद सजन दी सुतिया भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है, अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखे ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे, अब जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे। भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूँ जिसे देख के रब मुस्कुराता है।